दिन क्या बोलता है, करे क्या? करते हैं। नंबर बोल। 94, 25, 16, 88, 79। 1 मिनट कर रहा हूं। हेलो, कौन हेलो अंकल, नमस्ते। बोल रहे हो? अरे अंकल, वही जिसको आपने बोला था कि आप काले कलर की सफेद बंदूक देंगे, वही कोला सा लड़का। अरे कौन बोल रहे हो? अच्छे से बता दो, मैं काम कर रहा हूँ। अरे अंकल, वही जिसने आपको बोला, जिसको आपने बोला था पहले कि आप हेलीकॉप्टर गिफ्ट करेंगे, पर आप कार भी नहीं लेके आए। तुझे पता है तूने किसको फोन लगाया है? ज्यादा बकलोली मत कर, बहुत लंबा फंसोगे। तू अबे सुन, मैं तेरे से 25 आए 25 गए। बेटा बताता हूँ तुमको। क्या बताएगा तू हमको, धमकी दे रहा है? अबे तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? हाँ, और सुन क्या बोल रहा है, तू बताएगा हमको? क्यों, विधायक की औलाद है, कमिश्नर की गलती, जो हमको बताएगा? ज्यादा हीरो मत बन और फोन काट। तुम लोग बैतूल से बात कर रहे हो ना? नहीं, मैं अवस्थी कॉलोनी में बंगले नंबर 4 में आके बताऊं आपको। आप कौन बोल रहे हैं? ओह नो, बेटा तुमने जिसको फोन लगाया है ना, वो बैतूल का DI है, और आधे घंटे में तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ। अरे अंकल, सॉरी अंकल, अंकल प्लीज। अब क्या करें भाई, अब तो जेल, फांसी, मौत। भाई, मेरी वैसे ही फटी पड़ी और तू मेरी और फाड़ रहा है यार। अबे वापस लाया करना। दीप, 1 मिनट रुक, वापस लगाता हूँ। हेलो, हेलो अंकल, अंकल प्लीज माफ कर दीजिए अंकल, अंकल अप्रैल फूल है, मजाक कर रहे थे अंकल, प्लीज अंकल, पापा घर से निकाल देंगे। बेटा माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। तो मैं तो जो है सजा जरूर दिलवाऊंगा, ताकि तुम ऐसी गलती वापस ना करो। अंकल अंकल प्लीज अंकल माफ कर दीजिए अंकल। काट दिया, शिट भाई। अरे चाचा जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? बोला तो था बेटा आधे घंटे में आ रहा हूं। कब बोला था? अरे जब तुम लोगों ने काले कलर के सफेद बंदूक मांगी थी, मतलब हमने आपको फोन किया था, मतलब कोई पुलिस नहीं थी। कैसा लगा अप्रैल फूल? तुम लोगों ने मेरे दूसरे नंबर पे फोन किया था, उस पे यश का नंबर सेव था। मुझे लगा तुम एक दो बार मैं पहचान लोगे, पर नहीं पहचाना, तो सोचा कि मैं ही थोड़ा मजे ले लेता हूँ। कैसे पहचानता हूँ, आपकी आवाज सुने बरसों हो गए, आपको याद भी नहीं आती हमारी, और पता नहीं क्यों आपकी आवाज भी अलग सी आ रही थी थोड़ी फोन पे। वैसे आपका कैसे आना हुआ? एक डील के सिलसिले में आया हूँ, पर तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसे प्रैंक कॉल करते हो ना, और किसी ने पुलिस कंप्लेंट कर दी, तो ये बहुत बड़ा क्राइम है। कीटू शारदा नाम का एक लड़का था, उसने फोन पे राम रहीम की मिमिक कर दी थी, उसके अगेंस्ट केस हो गया था, तो इसलिए मेरी बात मानो। हाँ, और प्रैंक कॉल ठीक है, बचपन में बहुत लोग करते हैं, मैंने भी कभी किया होगा, पर ऐसा करो कि सामने वाले को फर्क ना पड़े, और मेरी मानो तो ना ही करो। ठीक है चाचा जी, आप अंदर तो चलो, चाय वाय तो पियो।